नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोबारा राज्य में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो इस बीच राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं या आपराधिक मामलों में मृत शरीर के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। प्रदेश में अब ऐसा करना अपराध होगा। दरअसल शव के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेश के अनुपालन में गृह विभाग ने एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। इसके तहत परिवारजनों द्वारा भीड़ जुटाकर रास्ते पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो इसे शव का अपमान मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, SOP के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद परिवार के शव सौंपते समय लिखित सहमति ली जाएगी कि शव को पोस्टमार्टम हाउस से सीधे अपने घर पर ले जाएंगे। उसके बाद धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि स्थल पर ले जाएंगे। इस दौरान बीच रास्ते में कहीं भी शव रखकर भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई समूह या संगठन शव के साथ प्रदर्शन करते हैं और कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्य करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान अगर किसी शव को रात में अंतिम संस्कार किया जाना है तो उसके लिए पहले परिवार से अनुमति लेनी होगी। इन सब बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में घर वालों के द्वारा शव लेने से मना कर दिया जाता है तो उस स्थिति में पहले तो प्रशासनिक अधिकारी परिवार को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर इसके बाद भी परिवार नहीं मानता है तो स्थानीय लोगों का एक समूह बनाकर शव का पंचनामा भरकर DM के निर्देश के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी अगर अब कोई शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन करता है कि उसे न्याय जल्दी मिल जाए। अगर प्रदर्शन रख करने के बावजूद इस स्थिति में सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए तो अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इसके खिलाफ कानून ले आई है और इसके खिलाफ कानून ये है कि अब लोगों को कठोर सजा मिलेगी। शव तो उसके घर में रहेगा ही, साथ ही अगर प्रदर्शन किया तो अब सजा को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल UP सरकार के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें VK न्यूज के साथ। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।